हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट मोटर और सीरीज मोटर। हमने बात किया था सेपरेटली एक्साइटेड मोटर के लिए हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आइए इस वीडियो में हम देखेंगे शंट मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होता है। इसको आप ट्रिपल स्टार मार्क कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज और शंट मोटर से क्वेश्चन ज़रूर आता है आपको। इधर न्यूमेरिकल दे देगा या फिर वन लाइनर क्वेश्चन दे देगा आप लोगों को। तो पहला आप टॉपिक डालिए डीसी शंट मोटर। सेपरेटली एक्साइटेड से उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन शंट और सीरीज से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो शंट मोटर है, मोटर हम जब देख रहे थे तब देखे थे ये हमारा हो जाएगा आर्मेचर, जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं ईए से। यहाँ पर हमारा हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज वीटी। मोटर है तो क्या करेगा, इन्वर्ट में करंट होगा, करंट को इन्वर्ट फ्लो होगा यहाँ पर। शंट मोटर है तो देखिए शंट में हम क्या कर रहे हैं, फील्ड को कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए आर्मेचर के पैरेलल में हमारा आ जाएगा फील्ड, शंट फील्ड। अब मार्किंग कर लेते हैं, आर्मेचर करंट ये भी देखिए इन्वर्ट होगा। अगर जनरेटर होता तो जनरेटर के केस में डिलीवर करता तो ये आउटसाइड में ऐसा होता। तो ये हमारा मोटर है, तो मोटर में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इन्वर्ट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट ये देखिए, ये हमारा हो जाएगा ISH, क्योंकि ये फील्ड है तो फील्ड से करंट हमारा फ्लो होगा ISH। रेजिस्टेंस यहाँ का हो जाएगा RSH। इक्वेशन लिख लेते हैं, देखिए इक्वेशन हम जानते हैं EA इज इक्वल टू VT माइनस IARA होता है। IARA यहाँ पर आप नोडल एनालिसिस लगा लीजिए तो देखिएगा इनकमिंग करंट क्या है, IL इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ये हो जाएगा IA प्लस ISH, जो कि IA बनेगा लोड करंट माइनस शंट करंट। तो ये तीन इक्वेशन आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप शंट मोटर पढ़ रहे हैं, शंट मोटर पढ़ रहे हैं। अब इसमें भी हम सेम पांच कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, तो एक एक करके हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना होता है EIA कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे वो हो जाएगा ΦIA कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड हमारा हो जाएगा स्पीड वर्सेस IA कैरेक्टरिस्टिक्स। फोर्थ जो बनेगा वो हो जाएगा टॉर्क वर्सेस आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड फिफ्थ जो हमारा होता है वो होता है स्पीड वर्सेस टॉर्क के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये पांच कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऑलरेडी सेपरेटली एक्साइटेड के लिए देख लिए थे। इसमें हम बात करेंगे स्पेशली शंट मोटर के लिए और फिर देखेंगे सीरीज मोटर के लिए। फर्स्ट हेडिंग डालिएगा EIA कैरेक्टरिस्टिक्स। EIA कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये बिल्कुल सिंपल है, जैसा ही हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड का पढ़े थे वैसे ही सिमिलर एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा शंट के लिए भी मिलेगा। तो देखिए इस इक्वेशन को मैं यूज़ कर रही हूँ, ईए इज इक्वल टू VT माइनस IARA। ईए इज इक्वल टू VT माइनस IARA। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा होगा IA, ये हो जाएगा हमारा EA। EIA बन गया, जैसे कि हम लिए थे x एक्सिस में आर्मेचर करंट और y एक्सिस में आर्मेचर वोल्टेज हमने कंसिडर किया था। अब हम लोगों का अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना चाहूँ तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये अगर मैं लेती तो ये हो जाता हमारा VT कांस्टेंट, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसमें से हम क्या कर रहे हैं, IARA ड्रॉप को माइनस कर रहे हैं, IARA ड्रॉप को हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम सेकंड देखते हैं, तो सेकंड में हमारा क्या हो जाता है, एक इसमें हम लोगों को और कंसीडर करना पड़ता है आर्मेचर रिएक्शन को। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा विथ आर्मेचर रिएक्शन और ये हो जाएगा हमारा आर्मेचर रिएक्शन नेग्लेक्टेड। तो ये कुछ ऐसा फिगर हमारा होने वाला है EIA कैरेक्टरिस्टिक्स का। नेक्स्ट आइए बात कर लेते हैं हम ΦIA कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड ΦIA ये भी बिल्कुल सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, हम जब देखे थे सेपरेटली एक्साइटेड का।
तो फाइव हमारा क्या होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है हमारा। तो जब इसमें हम फाइव आईए को ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये हमारा हो जाएगा आईए आर्मेचर करंट, ये हमारा हो जाएगा फाइव, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन का भी इफेक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो जब आप इसमें देखेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, ये हो जाएगा विथ आर्मेचर रिएक्शन एंड ये हो जाएगा आर्मेचर रिएक्शन नेग्लेक्टेड। तो कुछ इस तरीके का फिगर आपको देखने को मिलेगा आर्मेचर फ्लक्स वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स में, फ्लक्स वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इतना नोट डाउन करिए, फिर हम आगे और देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो थर्ड हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है ये भी इम्पोर्टेंट होता है हमारा, ये तीनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा उतना नहीं आता एग्जामिनेशन में, बट ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये हो जाएगा स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सेम अभी हमने डेरिवेशन देखा था कि कैसे हम लोग स्पीड और आर्मेचर करंट का इक्वेशन निकाले थे, सेम हम लोगों को अभी भी ऐसे ही करना है। देखिए ईएमएफ इक्वेशन हम जानते हैं ई इज इक्वल टू वी टी माइनस आई आर ए होता है, इज इक्वल टू के फाई स्मॉल एन होता है हमारा, के फाई स्मॉल एन होता है। तो यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ से आप स्मॉल एन की वैल्यू निकाल लीजिए, इस स्मॉल एन की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा वी टी माइनस आई आर ए अपॉन के फाई अपॉन के फाई। कुछ भी मैंने नहीं किया है, मैंने सिर्फ इस इन दोनों को इक्वेशन को यूज़ किया है और यहाँ से एन की वैल्यू निकाला है। तो एन की वैल्यू निकालेंगे जब ये के फाई इनके नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स, इक्वेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जैसे हम देखे थे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, यहाँ पर y हमारा क्या है, n है। तो देखिए ये n हो गया इज इक्वल टू एम एक्स, ये हो जाएगा x, आइए हमारा x हो जाएगा क्योंकि हम स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप इसको क्या करिए, सेम आर ए अपॉन के फाई ले लीजिए, एम हो गया प्लस ये हमारा जो कांस्टेंट रहता है उसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट के फाई। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन करिए, सी इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट है और ये जो है वो हमारा एम हो जाएगा स्लोप, और ये नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं ड्रूप, ड्रूप। ये सब हम देख चुके थे सेपरेटली, एक्साइटेड के केस में सिमिलर है, बिल्कुल ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। देखिए अब इस चीज को मैं प्लॉट कर रही हूँ, इसी चीज को मैं यहाँ पर प्लॉट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई हमारा क्या है, स्पीड है और x एक्सिस में हमारा आर्मेचर करंट आएगा। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमारा ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा बनता है जिसमें कि ये इंटरसेप्ट होता है, जिसकी वैल्यू हम क्या निकाले हैं, kt अपॉन vt अपॉन k फाई, एंड ये हमारा होता है ड्रूप जिसकी वैल्यू अभी हमने क्या कैलकुलेट किया, आर ए अपॉन के फाई। अब आप सोच रहे होंगे नेगेटिव क्यों नहीं लिए हैं, नेगेटिव इसलिए नहीं लिए क्योंकि हम ऑलरेडी इसको ड्रूप बोल रहे हैं, ड्रूप का मतलब ही होता है कि नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करना। तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स आई स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट का। इसी के नीचे आप एक और ड्रॉ करेंगे जब, तो ये देखेंगे ये होता है विथ आउट आर्मेचर रिएक्शन आपको ऐसा मिलने वाला है। फोर्थ, ये हो गया हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्रॉ करिए बहुत अच्छे तरीके से। फोर्थ पे हम आएंगे, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं, फोर्थ हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखिए टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स।
तो जब हम देख रहे थे टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट का इक्वेशन, तो ये होता था टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू के टी फाई आई ए, ये देखे थे हम लोगों ने। एक्चुअली ये होता है टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू या फाई आई ए, और ये इसको हम भी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो ये होता है के टी फाई आई ए। इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब देखिए फाई तो हमारा ऑलमोस्ट होता है कॉन्स्टेंट, ऑलमोस्ट होता है हमारा कॉन्स्टेंट, तो मैं क्या ये नहीं बोल सकती कि टॉर्क प्रोपोर्शनल होगा हमारा आई ए के, क्योंकि फाई तो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है, फाई तो हमारा कॉन्स्टेंट है। तो देखिए अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो देखिए कैसे होगा, ये हो जाएगा हमारा आर्मेचर करंट आई ए, टॉर्क हम लोगों को वाई एक्सिस में रखना है। अब देखिए टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आई ए, यानी कि हमारा एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगा पासेस थ्रू ओरिजिन, ये हो जाएगा विथआउट विथआउट आर्मेचर रिएक्शन, विथआउट आर्मेचर रिएक्शन, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट आपके पास अगर जब भी आता है हमारी मशीन में तो क्या हो जाता है, फ्लक्स कम हो जाता है। यानी कि ये मैं बोल सकती हूँ विथ आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स रिड्यूसेस, फ्लक्स हमारा हो जाता है कम, और अगर फ्लक्स कम होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा डॉटेड लाइन वाला वो हो जाएगा विथ आर्मेचर रिएक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन है, टिल्टेड नहीं है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैंने ड्रॉ किया है तो शायद स्ट्रेट ना हो, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये हो जाएगा हमारा फोर्थ इक्वेशन, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी फिफ्थ और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। फिफ्थ हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, स्पीड वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत सिंपल है, अभी अभी हमने इक्वेशन डिराइव किया था सेपरेटली एक्साइटेड के केस में। तो देखिए टॉर्क इज इक्वल टू के टी फाई आई ए होता है, एंड ए इज इक्वल टू वी टी माइनस आई ए, आर ए इज ऑल्सो इक्वल टू के फाई एन, के फाई एन। यहाँ से आप एन की वैल्यू निकालिए, कैलकुलेट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल एन। तो यहाँ से स्मॉल एन की वैल्यू क्या निकलेगी, देखिए इसको आप यूज़ करिए, सिर्फ इतने को सिर्फ। तो यहाँ से देखिए क्या निकलेगा, वी टी के नीचे के फाई आ जाएगा माइनस आई ए आर ए अपॉन के फाई आ गया फ्रेंड्स। अब देखिए इस इक्वेशन में आप क्या करिए, आई ए को टी अपॉन के टी फाई लिख सकते हैं, कुछ नहीं है, के टी फाई को मैंने नीचे भेज दिया है, देखिए ठीक है। अब इसी को आई ए को के वैल्यू को उठा करके मैं यहाँ पर पुट कर दे रही हूँ, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन अगेन मैं कर रही हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके अच्छे से। आर ए फाई, आई की वैल्यू क्या बताइए, टॉर्क अपॉन के टी फाई, सॉल्व कर लीजिए इसको, सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है, माइनस आर ए टी अपॉन के टी फाई स्क्वायर माइनस वी टी अपॉन के फाई। देखिए जो आप इसको सॉल्व करिए, मैं थोड़ा सा स्पीड में कर दे रही हूँ लेकिन आप धीरे धीरे करिएगा, प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है, आपको सिर्फ उसको लाइन बाय लाइन सॉल्व करना है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, आप कर सकते हैं, बहुत ईजी है फ्रेंड्स। देखिए अब हमारा क्या है, जैसे कि हम सेपरेटली एक्साइटेड के लिए देखे थे y इज इक्वल टू, दिस इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये प्लस है बीच में, इक्वेशन हमारा ऐसा आएगा, ये हो जाएगा हमारा स्पीड वर्सेस टॉर्क। दो ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट वाला जो होता है वो हो जाएगा आर्मेचर रिएक्शन नेग्लेक्टेड, और जब आप आर्मेचर रिएक्शन को कंसिडर करेंगे तब ऐसा कुछ आएगा। तो अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो आप सिर्फ एक डायग्राम को याद करके रखिए, आर्मेचर रिएक्शन नेग्लेक्टेड, या फिर एक को दूसरे आप इजीली वे से सॉल्व कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग।
तो आप इसको अच्छे से ड्रॉ करिए, देखिए पूरा बोर्ड में साफ साफ अच्छे से लिखा हुआ है, इसको ड्रॉ करिए आप अच्छे से। इसको ड्रॉ करेंगे तब आप देखेंगे कि आपका कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बहुत 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 ईजी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा जो लास्ट हो जाएगा वो हो जाएगा डीसी सीरीज मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको आप ट्रिपल स्टार, फोर स्टार, फाइव कितना भी मार्क कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस टॉपिक से, खास करके हमारा सीरीज मोटर से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रैक्शन में यूज़ किया जाता है इसको, ट्रैक्शन में इसको यूज़ किया जाता है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मोटर है। तो थर्ड हमारा जो आता है वो होता है हमारा डीसी सीरीज मोटर। इसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स ये एग्ज़ाम। डायरेक्ट आप क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके का क्वेश्चन आता है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी। उसके पहले हम क्या करते हैं, एक मोटर बना लेते हैं डीसी सीरीज मोटर। ये हो जाएगा हमारा आर्मेचर। देखिए सीरीज़ में कनेक्शन करना है हम लोगों को फील्ड को, कर दिया हमने फील्ड को कनेक्शन। टाइप्स में हम ऑलरेडी देख चुके थे, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज VT। ये हो जाएगा हमारा EA। करंट हो जाएगा हमारा IA। यहाँ का रेजिस्टेंस हो जाएगा RSC। यहाँ का करंट हो जाएगा ISC एंड दिस इज लोड करंट। तो आपको दिख रहा है कि तीनों ही करंट क्या है, इनवर्ड है, और तीनों ही करंट क्या है, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में हमेशा करंट इक्वल होता है। तो मैं ये बोल सकती हूँ, बहुत इजी है। सेकंड इक्वेशन जो हमारा बनता है वो होता है ई इज़ इक्वल टू VT माइनस IA RA प्लस RSC। देखिए ये डिस्कशन मैं कर लिया है मैंने हम लोगों ने टाइप्स में, वहाँ पर हमने देखा था ये इक्वेशन आता कैसे है, तो उसको आप देखिए। फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। तो इसमें भी आपको क्या करना है, आपको EA IA कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना है। बहुत सिंपल है, इक्वेशन क्या है, EA इज इक्वल टू VT माइनस IA RA प्लस RSC। जब आप शंट पढ़ रहे थे तब आपने देखा होगा, या फिर सेपरेटली एक्साइटेड, यहाँ पर VT माइनस IA RA ये नहीं था। ये क्यों नहीं था, क्योंकि वहाँ सीरीज फील्ड कनेक्शन नहीं था वहाँ पर, इसमें सीरीज फील्ड है, इसीलिए यहाँ पर एक RSE का फैक्टर आ रहा है, क्योंकि वो सीरीज में लगा है आर्मेचर के, इसीलिए ये फैक्टर को आपको इसमें कंसिडर करना है। अब इक्वेशन देखिए, इक्वेशन हमको क्या करना है, EIA का है, तो ये हो जाएगा IA, ये हो जाएगा हमारा EA। आपको VT में से क्या करना है, इस बार ये हो जाएगा VT, ये हम लेते तो ये VT होता। ड्रॉप अब आपको कौन सा माइनस करना है, आप देखिए यहाँ वहाँ पर वो हो रहा था IA RA, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा IA RA प्लस RSE हो जाएगा, RA प्लस RSE हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्रॉ करिए। सेकंड हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, सेकंड हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। सेकंड देखिए, सेकंड हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो हम क्या पढ़ते हैं, फाई आईए का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा फाई आईए कैरेक्टरिस्टिक्स। फाई क्या है, हमारा फ्लक्स है, फ्लक्स, फ्लक्स यानी किसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए, ये द फ्लक्स इज अ फंक्शन ऑफ फील्ड करंट IF, और इसको मैं बोल सकती हूँ ISE, क्योंकि हमारा फील्ड कैसा लगा है, सीरीज में लगा है, और फील्ड का करंट क्या है, देखिए ISE है, तो मैं बोल सकती हूँ फाई इज प्रोपोर्शनल टू IA। उसके पहले भी मुझे बोलना चाहिए फाई इज प्रोपोर्शनल टू ISE, फाई इज प्रोपोर्शनल टू ISE, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए फाई इज़ अ फंक्शन ऑफ फील्ड करंट, और हमारा यहाँ पर फील्ड करंट क्या है, देखिए सीरीज है, तो ISE, बट ISE इज ऑलवेज इक्वल टू आर्मेचर करंट IA, तो मैं बोल सकती हूँ फाई इज प्रोपोर्शनल टू IA, यानी अगेन ये क्या हुआ, Y इज इक्वल टू MX बना, यानी कि जो उस कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा, देखिए यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये हो जाएगा फाई, ये हो जाएगा हमारा IA, IA,
अब देखिए, अगर मैं डॉटेड लाइन से शो करती हूँ तो ये हमारा फर्स्ट वाला फिगर हो जाएगा विथआउट आर्मेचर रिएक्शन, या आर्मेचर का रिएक्शन का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था, तो फ्लक्स हमारा स्ट्रेट लाइन जा रहा था। लेकिन जब आप आर्मेचर रिएक्शन को कंसिडर करेंगे तो कुछ सेचुरेशन की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, सेचुरेशन की वजह से नहीं, हमारा जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि विथ आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स रिड्यूसेस, तो कुछ ऐसा फिगर आपको देखने को मिलेगा। ये हो जाएगा सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आता है इससे आपको क्वेश्चन। टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अ डीसी सीरीज मोटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिल सकता है। फर्स्ट देखिए, पहला क्या होता है, हम लोगों को ये पता है कि टॉर्क जो होता है वो होता है प्रोपोर्शनल फाई आई ए के। हम लोगों ने देखा है टॉर्क का इक्वेशन प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए। फर्स्ट कंडीशन आप देखिए, इसी में ही आप फर्स्ट कंडीशन देखिए, विथआउट सेचुरेशन, सेचुरेशन की कंडीशन अभी नहीं आई है, फिर हम देखेंगे सेकंड केस में विथ सेचुरेशन क्या होगा, विथ सेचुरेशन क्या होगा, ठीक है। विथआउट सेचुरेशन यानी कि जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में है हमारा, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या हो जाएगा, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए, नॉर्मल कंडीशन है, कोई भी सेचुरेशन का केस अभी आप लोगों को देखने को नहीं मिला है। लेकिन जब आपको पता है, ये इक्वेशन आप पढ़ रहे थे तब देखे थे कि फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई ए बिकॉज फ्लक्स इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू आई एस सी। यहाँ से मैं बोल सकती हूँ सेकेंड, फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई ए, देखिए अभी आपको फाइव में आप पुट कर दीजिए आई ए की वैल्यू, तो क्या आप ये बोल सकते हैं टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर विथआउट सेचुरेशन की कंडीशन आ रही है, विथ सेचुरेशन कुछ नहीं किया है, इस फाइव को प्रोपोर्शनल, इस फाइव को उठा करके मैंने यहाँ रख दिया है और बोल दिया है टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर। विथ सेचुरेशन में हमारा क्या होता है, फाई कांस्टेंट हो जाता है, फाई इज ऑलवेज कांस्टेंट। जब हम सेचुरेशन की कंडीशन लेंगे, यानी कि अब आप कुछ भी बढ़ाइए, फ्लक्स आपका कांस्टेंट ही रहने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, देखिए टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आई ए, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आई ए। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आई ए विथ सेचुरेशन कंडीशन, विथ सेचुरेशन कंडीशन। इसको अब आप प्लॉट कर लीजिए। दो इक्वेशन है आपके पास, दो इक्वेशन है, कौन कौन सा इक्वेशन आपको यूज करना है, आपको इक्वेशन दिस इज वन, दिस इज टू, इन दो इक्वेशन को आपको प्लॉट करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा बनेगा देखिए, ये हो जाएगा हमारा आई ए, क्योंकि टॉर्क आर्मेचर करंट ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा टॉर्क। देखिए विथआउट सेचुरेशन में हमारा टॉर्क प्रोपोर्शनल हो रहा है आई ए स्क्वायर के, यानी कि ये पैराबोला होगा कुछ इस तरीके से, ये होता है टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर विथआउट सेचुरेशन, विथआउट सेचुरेशन, एंड उसके बाद जब सेचुरेशन आ रहा है तब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है, यानी कि स्ट्रेट लाइन आएगा, तो ये हो जाएगा टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आई ए विथ सेचुरेशन, विथ सेचुरेशन। ये फिगर भी आपको ध्यान रखना है, सीरीज मोटर के केस में डायरेक्टली फिगर देता है और पूछता है ये किस मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये है सीरीज मोटर का, डीसी सीरीज मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स है टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट। अब आप देख रहे हैं टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर, यानी कि करंट अब अगर आप क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, मान लीजिए करंट को आप डबल कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, टॉर्क फोर टाइम्स हो जाएगा। इफ़ आई ए इज डबल्ड,
तो देखिए ये डबल का जब आप स्क्वायर करेंगे तो टॉर्क इस प्रोपोर्शन, टॉर्क हो जाएगा हमारा फोर टाइम्स हो जाएगा, यानी कि टॉर्क आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है एक डीसी सीरीज मोटर के केस में विथआउट सेचुरेशन वाला केस। तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं इसको, डीसी सीरीज मोटर इज़ यूज्ड इन ट्रैक्शन में ये यूज़ किया जाता है डीसी सीरीज मोटर को, क्योंकि वहाँ टॉर्क रिक्वायरमेंट हाई होती है, जो कि सिर्फ पॉसिबल है हमारा डीसी सीरीज मोटर के केस में मिलता है। ये हो जाएगा हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स था। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इतना नोट कर लिए आप, तो देखिए फोर्थ हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है स्पीड वर्सेस आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसा कि हम शंट में देखे थे, इसमें भी होता है। इसका आप जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसा आएगा, इसका डेरिवेशन होता है जो आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये होता है हमारा आईए, ये होता है स्पीड, एंड आप देखेंगे स्पीड इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आईए आपको देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या होता है, देखिए यहाँ ईए जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एन अपॉन फाई के, कैपिटल एन स्मॉल एन आप कुछ भी ले सकते हैं, एन फाई होता है सॉरी प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से आप एन को देखेंगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई हुआ, लेकिन आपको पता है सीरीज़ के केस में हमारा फाई क्या होता है, हमारा फाई प्रोपोर्शनल होता है आईएससी के और वो प्रोपोर्शनल होता है आईए के। तो ओवरऑल हम देखेंगे तो प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आईए आ जाएगा, ये इसका डेरिवेशन है। फिर से देखिए एक्सप्लेन कर दे रही हूँ मैं, आई ए इज़ प्रोपोर्शनल टू एन फाई, इक्वेशन ऑफ ई एम एफ इक्वेशन होता है जेड फाई पी एन अपॉन 60A, वहाँ से एन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई आ रहा है देखिए, और फाई हमारा क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है फील्ड के और आर्मेचर करंट के। तो इसकी वजह से यहाँ मैंने लिखा हुआ है स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई ए, जो कि एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है। जब भी आपको इन्वर्स रिलेशन देखने को मिले तो वहाँ पर होता है हमारा हाइपरबोला, कुछ इस तरीके का इक्वेशन को हम बोलते हैं हाइपरबोला, इस तरीके का इक्वेशन को हम बोलते हैं पैराबोला। ये हमारा हो गया फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स। एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और पढ़ना है, टॉर्क वर्सेज स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, टॉर्क वर्सेज स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा कैसा होता है देखिए, टॉर्क वर्सेस स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हो जाएगा टॉर्क, ये हो जाएगा स्पीड। ये भी होता है हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसमें कि हमारा ये आता है स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, ये भी होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो देखिए ये हमारा है टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट, स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट, एंड दिस इज स्पीड वर्सेस टॉर्क। तो ये इतना सारा है आपको ध्यान रखना है, एक एक को देखिए मैंने बहुत आराम से कराया है। उसके बाद आप फाइनल क्या करिएगा, फाइनल एक पेज लीजिएगा, उसमें आप कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर लीजिएगा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये और ये तीनों एक साथ, और ट्रिपल स्टार मार्क करके आप इसमें लिख सकते हैं डीसी सीरीज मोटर का। हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी देखेंगे नेक्स्ट आने वाली क्लास में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट फर्दर अपडेट्स। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।